ये एक हीट प्लग का, ये देखिए ये तार बहुत दिन से कटा हुआ, गाड़ी आरपीएम भी हाई हो जा रही है अंदर से। देखिए ये पूरा अब राउंड हो गया, कोई एज उतना नज़र नहीं आएगा आपको। ये साइड से देखिए, भाई आ गए हैं इसको चेक करवाने। ये है एक्साइट का डीलर, तो यहाँ पे अभी इसका बैटरी चेक करवाते हैं, देखते हैं कि क्या सही में बैटरी का प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग, आज का व्लॉग चालू होता है फिर से पल्सर से, क्योंकि आप लोगों ने पिछला व्लॉग जो देखा होगा, पिछला व्लॉग, उसमें बताया था सर्विस सेंटर में कि मुझे बैटरी चेक करवाना, तो चलिए अभी लेके चलते हैं इसको बैटरी चेक करवाने, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज सैटरडे है, 2 बजे तक बंद हो जाता है, तो मुझे अभी याद आया कि 2 बजे तक बंद हो जाता है, तो अभी इसको लेके चल रहे हैं सर्विस सेंटर, जाके देखते हैं ये इसमें सच में बैटरी में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो भाई आ गए हैं इसको चेक करवाने, ये है एक्साइट का डीलर, तो यहाँ पर अभी इसका बैटरी चेक करवाते हैं, देखते हैं कि क्या सही में बैटरी का प्रॉब्लम है या और। अभी इसमें ड्राई बैटरी आता है, ये देखो, बैटरी प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ बोल दिए कि जो शोरूम से आप परचेज किए हैं वो शोरूम में जाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी में प्रॉब्लम बता रहा है लोग। तो अभी देखते हैं कि जो शोरूम से ख़रीदे थे वहाँ तो जो सेल्स आदमी था वो तो चेंज हो गया, अभी उनको फ़ोन करके बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि डीलर का पास भी गया तो एक जगह तो गया, वो बोला कि सीधा सीधी बोल दिया मेरे पास बैटरी ही नहीं है, जब से प्रोडक्शन चालू हुआ है BS6 का जो बैटरी आता है वो उसके पास है ही नहीं। और दूसरे जगह गया तो वो बोल रहा है भैया बैटरी तो है, आप एक्साइट का मत लीजिए, क्योंकि एक्साइट में 2-व्हीलर बैटरी में प्रॉब्लम हो रहा है। तब हम बोले क्या करना भैया बताओ, तो बोल रहे कि एक काम कीजिए आप एमरॉन का लगाइए, एमरॉन में तो और भी भरोसा नहीं है हमको। तो अभी क्या करेंगे देखते हैं, बैटरी का तो एक इशू रहेगी। अब बताओ बंदा बाइक लेके बैटरी अगर इशू हो रहा है तो कोई मतलब कोई तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है कस्टमर लोग को। तो ये एक कस्टमर अपना दिल का दर्द आप लोग को बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है BS6 का वजह से। और ये किक जो हटा दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया है किक हटा देने के लिए। अगर किक रहता तो आदमी को एक तरफ से हेल्प मिल जाता, लेकिन किक नहीं है तो बोल के आदमी मजबूर हो जा रहा है। और अभी एक काम करना है इसका, एक ये बैक सीट में देखिए, इसका ये बैक का सीट है, ये ऐसा एज है दोनों तरफ निकला हुआ, ये एज है और ये एज है। जब पीछे पिलियन बैठता है तो वो दर्द होता है, इसमें ज़्यादा आप दूर तक जाइएगा ना तो आपके बम्प एरिया में दर्द होगा। तो ये इसको ये क्या करना है, यहाँ से इसको पूरा राउंड कर देना, तो क्या होगा, ये पुराना पल्सर में आता था 220 में, ये पूरा सीट ऐसा राउंड रहता था, तो उसमें क्या होता था कुशनिंग रहता था तो दर्द नहीं होता था लॉन्ग राइड में। तो ये अभी एक काम कराना है इसका, ये पूरे ये एजेस को राउंड करना है। तो ये अभी थोड़ा देर में, अभी सीट दुकान बंद है तो वहाँ जाते हैं उसको करवाते हैं, और बाकी ये बैटरी का तो इशू रहेगी, अभी इसको क्या करेंगे देखते हैं। ये एक हीट प्लग का, ये देखिए ये तार बहुत दिन से कटा हुआ, गाड़ी RPM भी हाई हो जा रही है अंदर, शायद चूहा ने काट दिया होगा। तो ये देखते हैं इसका भी कोई, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसका वजह से। और अपना ऑरेंज ऑल साविर भाई को लेके आए, देखते हैं अगर ये सॉल्व कर पाए। मेरा साथ चलेगा, मेरा तीनों लोग उधर, कब लेके जाओगे? तोपसिया वाला में तो ये है, तोपसिया वाला तो ये हीट प्लग का भी काम चल रहा है काटने। ये
ये जो आपको हम दिखा है हीटिंग प्लग, इसका बहुत दिन से ऐसा तार यहाँ से कटा हुआ था। ये तो अभी मैं हम लोग ने काटा है, लेकिन बहुत दिन से इसे कटा हुआ था। इसके बीच में दो बार सर्विस किया है बजाज सर्विस सेंटर में, लेकिन उन लोग का इतना भी ये नहीं हुआ कि इसको एक बार चेक करे या चेंज करे। तो इतना क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डेडिकेशन इन वर्क मैंने पहले बार देखा यार। इतना घटिया सर्विस के नाम में पैसा ले लेते लेकिन कोई चेकिंग नहीं करते कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या गाड़ी में कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो आप ये देखिए कितना दिन से ऐसा पड़ा हुआ था। ये देखिए अंदर में भी इसका कटा हुआ है। इसका वजह से भी ये हीटिंग प्लग है, ये हीट जब गाड़ी होता है तो इसको हीट का टेम्परेचर दिखाता है या कुछ भी हीटिंग इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें अगर लाइन बराबर नहीं जाएगा तो क्या ये हीटिंग इशू ठीक करेगा। तो इतना घटिया सर्विस फ्रॉम बजाज सर्विस सेंटर। एक्चुअली ये तार को यहाँ से इसको जोड़ना है, फिर जोड़ के फिर इसको लगवाना है। इन सब चीज़ के लिए साहिर भाई एक्सपर्ट है। तो फाइनली देसी जुगाड़ करके लगा दिया गया है प्लग, हीटिंग प्लग को चालू करके इसको चला के देखना पड़ेगा काम कर रहा है। ये तो अभी यहाँ आ गए सीट दुकान में, सीट बनाना अपना। तो वो लाइट का तो इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अभी सीट वो जो एजेस निकला हुआ उसको ठीक करवा देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ होता है भाई लॉन्ग राइड में। ये देख रहे हो एजेस, ये एज, हाँ ये वाला देखिए भाई, ये है इसका एज। अरे इसमें अभी सोल्यूशन लग रहा है, पेस्टिंग सोल्यूशन, इसमें वो फोम देंगे, फोम देके इसको राउंड करेगा। ये जो एजेस है ना इसके वजह से बहुत लगता है। अरे ये एक्चुअली मैंने डबल कवर में लगाया हुआ, तभी सिंगल कवर इसको कर देंगे, तो देखते हैं कितना आराम होता है इसको। ये अभी इसका सीट का दोनों एजेस में वो ये लग गया फोम, तो उसको बराबर मोल्ड करके ऐसा पूरा शेप में दिया गया, इसके ऊपर फिर कवर लगेगा, फिर कवर। हर तरफ से ये अब इक्वल लेवल में किया जाएगा। ये सब तरफ से ये पूरा आपका एजेस इसका मोल्ड करके इक्वल लेवल में कर दिया गया। पूरा पूरी बैलेंस कर दिया गया और इसमें सीट कवर लगेगा। तो ये ऊपर से फिर फोम लग जाएगा। ये भी तो फोम था ना, ये एक्चुअली मैंने आपको बता दिया था रेक्सिन, लेकिन ये रेक्सिन नहीं है, फोम है। और ये दूसरा वाला भी फोम लग रहा है इसमें, क्योंकि ऊपर में जो दोनों तरफ एजेस है उसका कुछ दाग नहीं ऊपर से सीट कवर में दिखे, इसीलिए ये रैप किया जा रहा है पूरा, ये कवर अप हो जाए पूरा। ये इस तरीके से पूरा भी कवर अप होके इसका शेप कट के फिर उसके ऊपर सीट कवर लगेगा। देखिए ये पूरा अब राउंड हो गया, कोई एज उतना नजर नहीं आएगा आपको। ये साइड से देखिए, इस साइड से देखिए, अब ये पूरा राउंड कर दिया गया इसको। अब इसको लगा के देखते हैं और उसके बाद पिलियन को बैठा के पूछेंगे। पिलियन किसको बैठाएंगे, हैप्पी दा को बहुत कंप्लेंट था। तो हैप्पी दा अगर आप लॉग देख रहे हैं तो देखिए आपका कंप्लेंट दूर करने के लिए हम खर्चा कर दिए, तो आपको आपसे तकलीफ नहीं होगा इंशाल्लाह। लग गया सीट अपना, कुछ इस तरह दिखता है। आप कोई तरफ से एज नहीं है, ये सारा राउंड हो गया। इसको बैठ के देखा जाएगा, टेस्टिंग होगा। तो भाई चैनल में जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए ये वीडियो को।
चल रहे हैं इसको लेके आप टेस्ट राइड में, ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका वो हीटिंग की वजह से शायद बंद नहीं हो जा रहा, तो अभी इसको एक दो घंटा चलाते हैं, चला के देखते हैं प्रॉब्लम की सॉल्व हुआ या नहीं। इसको लेके अब चलेंगे। फिर राजा राट में चला रहे हैं बाइक टेस्टिंग के लिए। इसमें दो तीन बार मैंने ऑन ऑफ करके देखा, अभी तक तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। अभी भी चला रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चैनल में बने रहिएगा ज़रूर। फाइनली अब बैटरी हमको चेंज कराने पड़ा। ये है एक्साइट का, ये वाला चेंज हो रहा है एक्सप्लोरर। काम देते अच्छी अलग कर ले। अरे बैटरी तो हमने चेंज कर लिया। अब वो नौशर भाई है हमारे, उनसे हम लोग को हेल्प मिल जाता है बैटरी वगैरह का, क्योंकि वो डीलर है। तो उनको बोला कि भाई बैटरी का ऐसा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा बैटरी अरेंज कर दो। तो नौशर भाई ने वो बैटरी अरेंज करके, तो आपको मैंने दिखाया कि बैटरी चेंज कर दिया। अभी बैटरी लगा के गाड़ी चला, बाइक चला रहे हैं। होप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी एक बार मंडे को साबिर भाई बोल रहा था कि एक बार चलो जाके सर्विस सेंटर में, मेरा साथ चलो, मैं जाके देखता हूँ क्या होता है, बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोग को समझाते हैं। तो अब मंडे को जाके देखेंगे कि अगर जा पाते हैं तो फिर वो जाके एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। अब उसका पीछे लग गए हैं तो उसको ठीक करके ही छोड़ेंगे। तो चैनल में जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।